सांगानेर विधानसभा से आ रही है। आप सभी को बता दूं, सांगानेर विधानसभा में वार्ड नंबर 97 98 में पानी की समस्या को लेकर के काफी लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी उन्होंने शिकायत भी की है, लेकिन उनकी अभी तक सुनवाई नहीं की गई। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। अन्य होने समस्या यही है, 15 दिन से पानी नहीं आ रहा और के परेशान हो गए इनको। आपने किससे शिकायत? सबसे कर दी हमने, पार्षद से भी कर दी, विधायक को फोन कर दिया, जीएन को भी कर दिया, यहाँ तक गहलोत के हेल्पर नंबर पे भी फोन कर दिया, बोले हाँ आएंगे आएंगे और कोई भी नहीं आता। पहले वाले आदमी का बोलते आप क्या करेंगे? अब क्या कदम उठाएंगे? पब्लिक चक्का जाम करेगी, चक्का जाम करेंगे, क्या करेंगे? प्यास से थोड़ा मरेंगे। सुनता ही नहीं है ना, ये ना चाहिए। खेतों में देते हैं पानी, फैक्ट्रियों को देते हैं, पब्लिक को नहीं देते। आज तक पानी आ रहा है भाई साहब? आज तक मैंने कहा था पानी सप्लाई करो यहाँ पे। पार्षद हमारे साथ में है, पानी नहीं रहा। विधायक के पास जाओ, आपके लाहौटी से बात करिए, लाहौटी का 8 तारीख को आना। तो 8 तारीख तक क्या करेंगे? अशोक लाहौटी से भी बात हो गई रात को, लेकिन वो कहते हैं 8 तारीख को आना। 8 तारीख तक क्या करेंगे? प्यासे मरेंगे। आपने बोला नहीं क्या 8 तारीख तक प्यासे मरेंगे? क्या उनने क्या अभी है ना, आधे आ रहा है डिपार्टमेंट, आधा नहीं आ रहा, आधे के बाद में आपकी समस्या सोल्व करेंगे। तो एक दिन में तो कुआं खुदेगा नहीं और एक दिन में पानी आएगा नहीं, जो पानी है वो तो दो। किसका नाम लेता? जयपुर में सांगानेर विधानसभा गोविंदपुरा जेडीए कॉलोनी वाटर वर्क्स पानी की टंकी पर वार्ड नंबर 98 और 97 पे सभी महिलाएं और पुरुष इकट्ठे होकर के जमा हुए और अपनी पानी की समस्या वार्ड नंबर 98 के और 97 के पार्षद हेमराज तनु चौधरी, दोनों पार्षद, उनको अपनी समस्याएं सुनाई। उनको कहा कि यह समस्याओं का समाधान किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही अशोक लाहौटी एमएलए को भी वाटर वर्क की समस्याओं से अवगत करवाया गया और साथ ही साथ समस्या की सूचना पब्लिक द्वारा दी गई। अभी तक समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। आदमी जो पहले पूर्व आदमी था, क्या नाम था? नाम तो भंवर जी बताते हैं। भंवर जी बोल रहे हैं? महाराज कहते हैं। महाराज महाराज बोलते हैं, कहते हैं अभी वो किसी ने देखा नहीं है, मगर ये और आज वो ये बोल के गया है पब्लिक के सामने कि मैं पानी सुबह आपके सबके आ जाएगा, लेकिन दोनों पार्षद लिख के दे मेरे को, तो आपका कहने का मतलब है जैसे कि वो इसमें छेड़खानी करे, प्रॉब्लम कर रहा, आपको हटाना चाह रहा है इधर से? मेरे को हटाना चाह रहा है, उसका कोई टेंशन नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ पब्लिक को पानी मिले। चलो ठीक है, अगर पब्लिक ये चाह रही है कि मतलब इसको कहना आपके हटा दे या फिर इन्हें ऐसा कर ले, तो क्या आप इस चीज़ से सहमत हो कि हाँ हमें हटना चाह रहे? बिल्कुल सहमत है, इससे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मेरे को हटाने से कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को पानी मिलना चाहिए। इसकी गलती नहीं है।